हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस जो साउथ अफ्रीका जो चल रही थी मैच, कैप्टन में भारत ने तोड़ा साउथ अफ्रीका का घमंड। सीरीज 1-1 से कराई ड्रॉ। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे मैच में 7-विकेट से हरा कर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबर की। अफ्रीका ने पहला टेस्ट एक पारी 32 रन से जीता था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 7-विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के 1-1 से बराबर की। दूसरा टेस्ट सिर्फ 5 सेशन तक ही चला। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 3 विकेट गंवाकर 12 ओवरों में ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से दूसरे पारी में यशस्वी जायसवाल 28, शुभम गिल 10, विराट कोहली 12 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा ने 17 रन बनाकर नवाज़ रहे कप्तान में। इससे पहले कोई भी एशियाई टीम जीत हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर अपना किला गाड़ा है। साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरी मैचों के दूसरे दिन अपने कल के स्कोर 62-3 के आगे खेलते हुए तो 14 रन जोड़ने में कामयाब रही और दूसरे पारी में 176 रन बनाकर भारत के सामने जीत के लिए 79 रनों का लक्ष्य रखा। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5-6 विकेट, मुकेश कुमार 2 मिले। दूसरे दिन के खेल के ओवरों में बुमराह ने ट्रेविस मैंडिगम को पवेलियन सस्ता दिखाया। बुमराह ने इसके बाद कायरल बर्डियन नो को आउट किया। मार्को यानसन 11 रन बनाकर आउट हुए। एडम मार्कम ने 103 गेंदों में 106 रन बनाकर आउट हुए। केशव महाराज 3 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह ने लुंगी एंगिडी को आउट करके अफ्रीका की पारी का अंत किया। दूसरे मैच के पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद भारत के पास एक बड़ी बढ़त हासिल करने का मौका था, लेकिन भारतीय टीम के अंतिम सत्र में 11 गेंदों में 6 विकेट गंवा दिया और पहली पारी में 153 रन ही बना सके। भारत को 98 रन की बढ़त मिली थी। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका ने एक पारी 32 रन से जीता था। तो ऐसे ही आप लोग को मैं वीडियो लेता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंडिया वर्सेज जो साउथ अफ्रीका जो चल रही थी मैच, कैप्टन में भारत ने तोड़ा साउथ अफ्रीका का घमंड। सीरीज 1-1 से कराई ड्रॉ। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे मैच में 7 विकेट से हरा कर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबर की। अफ्रीका ने पहला टेस्ट एक पारी 32 रन से जीता था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के 1-1 से बराबर की। दूसरा टेस्ट सिर्फ 5 सेशन तक ही चला। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 3 विकेट गंवाकर 12 ओवरों में ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से दूसरे पारी में यशस्वी जायसवाल 28, शुभम गिल 10, विराट कोहली 12 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा ने 17 रन बनाकर नवाज रहे कप्तान में। इससे पहले कोई भी एशियाई टीम जीत हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर अपना किला गाड़ा है। साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरी मैचों के दूसरे दिन अपने कल के स्कोर 62-3 के आगे खेलते हुए तो 14 रन जोड़ने में कामयाब रही और दूसरे पारी में 176 रन बनाकर भारत के सामने जीत के लिए 79 रनों का लक्ष्य रखा। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5-6 विकेट, मुकेश कुमार 2 मिले। दूसरे दिन के खेल के ओवरों में बुमराह ने ट्रेविस मैंडिगम को पवेलियन सस्ता दिखाया। बुमराह ने इसके बाद कायरल बर्डियन नो को आउट किया। मार्को यानसन 11 रन बनाकर आउट हुए। एडम मार्कम ने 103 गेंदों में 106 रन बनाकर आउट हुए। केशव महाराज 3 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह ने लुंगी एंगिडी को आउट करके अफ्रीका की पारी का अंत किया। दूसरे मैच के पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद भारत के पास एक बड़ी बढ़त हासिल करने का मौका था, लेकिन भारतीय टीम के अंतिम सत्र में 11 गेंदों में 6 विकेट गंवा दिया और पहली पारी में 153 रन ही बना सके। भारत को 98 रन की बढ़त मिली थी। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका ने एक पारी 32 रन से जीता था। तो ऐसे ही आप लोग को मैं वीडियो लेता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन।